अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं व्यूअर्स? सब ठीक हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपको पता चल गया है, ये है ट्रैफिक कंट्रोल बैरियर। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसको हर सड़क पर और हर स्ट्रीट पर लगाया जाता है और ये ट्रैफिक कंट्रोल करने में काम आता है। इसके एक्चुअली मेन 6-7 पार्ट्स हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये 6-7 जो पार्ट्स हैं वो वर्किंग करते हैं। इसका नाम बोम है, ये बोम है, बोम बैरियर इसको बोलते हैं। और इसको हम करते हैं ओपन और आपको दिखाएंगे भी सही भी है क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं। ये इसके स्विचेस हैं कंट्रोल सिस्टम के, ये स्विच हैं जो यानी जो क्लोजिंग में ऑपरेट होते हैं फिर ओपनिंग में ऑपरेट होते हैं स्विचेस, और ये इंडिकेशन है जब वर्किंग करता है तो इंडिकेशन ऑन ऑफ होता है। हम लोग आपको दिखाएंगे कैसे। और ये गियर बॉक्स है इसका, गियर बॉक्स और मोटर, ये मोटर है और ये गियर बॉक्स है, और ये स्प्रिंग सिस्टम है यानी प्रेशर से जो बैरियर ओपन और क्लोज होता है ये वो है। और ये है इसका कंट्रोल सिस्टम, मैंने ओपन किया हुआ है पहले से, ये कंट्रोल सिस्टम है। एक्चुअली यहाँ से ये पावर और ये कैपेसिटर यानी मोटर के लिए कैपेसिटर यूज़ हो रहा है और यहाँ पर पावर फिक्स होती है, और यहाँ से ये जो फोटो सेल कनेक्टेड हो रहे हैं इससे, और ये हमारे स्विचेज़ों पर जा रहे हैं, और ये हमारा जो कंट्रोल होता है सिक्योरिटी सिस्टम के पास ये वो है। एक्चुअली ये इसकी कैटलॉग है, हर चीज़ की कैटलॉग होती है, तो ये कैटलॉग से हम लोगों ने इसकी वायरिंग की हुई है, इंस्टॉलेशन की हुई है, वायरिंग ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली यानी जो हम लोग रोड पे वायर वगैरह लगाते हैं एग्ज़िट के लिए एमरजेंसी, खुद ब खुद गाड़ी को देख के ओपन हो जाए, वो ये स्विच है, मैग्नेटिक स्विच इसको बोलते हैं। तो हम लोग आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, हम लोग आपको ऑपरेट करवा के दिखाते हैं ये एक्चुअली ऑपरेट कैसे होता है। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये बात है, ये फोटो सेल है, ये फोटो सेल है यानी मतलब कोई गाड़ी अगर रास्ते में आ गया है, गाड़ी अगर रुक गया है तो रास्ते में, तो ये फोटो सेल ऑपरेट नहीं होने देगा, यानी बैरियर बोम को वापस नहीं आने देगा। तो सिंपली हम लोग करेंगे स्टार्ट, इसको करेंगे चेक, ये चेक कैसे होता है यानी ऑपरेट कैसे होता है वो बताते हैं। तो ये हम लोगों ने लगा दिया फोटो सेल, अभी बराबर हो गया है, फोटो सेल उसको ऑपरेट करके बताएगा कि हम एक्चुअली इसका सिस्टम इज अभी रेडी है, ये काम के लिए तैयार है। तो देखें ये बैरियर नीचे आ रहा है, अब ये ऑपरेट हो गया है। तो कोई भी गाड़ी आएगी, हम लोगों ने मैग्नेटिक सिस्टम लगाया हुआ है यानी मैग्नेट, कोई भी गाड़ी आता है अगर तो वो गाड़ी से ऑपरेट होगा, ये ऑटोमेटिकली वापस जाएगा। तो अगर मेन कंट्रोल भी होता है इसका, मेन कंट्रोल मतलब हम लोग देते हैं सिक्योरिटी वालों के पास, वो इसको ऑपरेट करते हैं, ये सिक्योरिटी सिस्टम है। तो मेन चीज़ें इसकी 6 थी, एक बोम और मोटर, कंट्रोल बॉक्स, गियर बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रूमेंट वगैरह। तो ये आज की वीडियो थी कि अभी देखें ये गाड़ी आया है तो ऑटोमेटिकली खुद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद हमें ऑपरेट हो जाएगा। ये देखिए अभी ये मतलब ये गाड़ी आया और खुद ब खुद ऑपरेट हो गया। अब हम लोगों ने इसका टाइम वगैरह सेट किया होता है, 1 मिनट है या हाफ मिनट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल वापस हो जाएगा। देखें ये वापस चला गया। तो गाइस ये हम बैरियर के कंट्रोल सिस्टम है, तो ये सिस्टम आपको दिखाना था, समझाना था कि बैरियर आखिर एक्चुअली कैसे ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है, किस तरह ये बैरियर को इंस्टॉलेशन किया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल हो गया है इसका, हम लोगों ने डबल प्रोटेक्शन दी है इसको, एक तो रोड में हम लोगों ने मैग्नेटिक सिस्टम लगा दिया है और फोटो सेल भी लगा दिए हैं, यानी डबल प्रोटेक्शन हो गई है इसकी। गाड़ी आएगी, गाड़ी सेंटर में रुकेगी तो भी ऑपरेट नहीं होगा, और जब फोटो सेल के सामने आ गई तो भी ऑपरेट नहीं होगा। तो आज की वीडियो जो बोम बैरियर, बैरियर कैसे इंस्टॉल किया जाता है,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाजी इंजीनियर आपके लिए एक और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।